बोल प्रेम सोम श्री सदगुरु मठ में ही परमहंस महाराज जी की जय। गुरुदेव का प्रवचन अहंकार और चित्त के दोष। श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, या अनेक रूप वाला संसार दिनों से भी दीन विषय लंपट लोगों को अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही निरंतर राग द्वेष आदि दोषों के कोष रूप अनर्थ की प्राप्ति कराता रहता है। अहंकार के वश में होने से ही मनुष्य पर आपत्ति आती है, उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक व्यथाएं होती है तथा अहंकार से ही राग अथवा दुष्चेष्टाएं होती है। जैसे बहलिया के द्वारा मृगों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी दोष के कारण संसार रूपी अंधेरी रात में जीवों के मन को मोहित करने वाली विशाल माया बिछी हुई है। अहंकार शांति रूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुख है। पुण्य रूपी कमलों का विनाश करने के लिए हिम रूप व्रज है। और सब भूतों में समदर्शित ताए रूपी मेघ का विध्वंस करने के लिए शरद ऋतु है। ऐसे अहंकार का मैं त्याग करता हूँ, ना मैं अमुख नाम वाला हूँ, ना विषयों में मेरी रुचि है और ना मन ही मेरा है। मैं शांत होकर मन को जीतने वाले महात्मा पुरुष की भांति अपने आप में ही स्थित रहना चाहता हूँ। ब्रह्मान, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति काल में मुझे दुख होता है, और यदि नहीं रहता तो मैं निरंतर सुख का अनुभव करता हूँ। इसलिए अहंकार रहित होना ही श्रेष्ठ है। मुने में अहंकार का त्याग करके शांति चित हो उद्वेग शून्य होकर बैठा रहता हूँ, क्योंकि भोगों के समूह का आधार ही क्षण भंगुर है। इस देह रूपी विशाल वन में जो घनीभूत अहंकार रूपी मोटा ताजा सिंह है, उसी ने इस जगत का विस्तार किया है, इसे अपनी क्रीड़ा स्थल बनाया है। मुने, जैसे शत्रु किसी को मारने के लिए मंत्र तंत्र के द्वारा मारन उच्चाटन आदि का जाल फैलाता है, उसी प्रकार इस अहंकार रूपी महान शत्रु ने संसार में जीव का पतन करने के लिए बिना मंत्र तंत्र के ही स्त्री पुत्र मित्र आदि के जाल फैला रखे हैं। इस अहंकार का मूलो छेदन पूर्वक निराकरण कर देने पर ये सभी मानसिक दुश्चिंताएं तुरंत अपने आप विलीन हो जाती है। अहंकार रूपी बादल के फट जाने पर शांति का विनाश करने वाला एवं हृदयाकाश में छाया हुआ महान मोह रूपी कुआसा धीरे धीरे न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। महानुभाव मुनि श्रेष्ठ, जो संपूर्ण आपत्तियों का घर शांति आदि उत्तम गुणों से रहित तथा हृदय के भीतर निवास करने वाला है, उस अनित्य अहंकार का मैं आश्रय लेना नहीं चाहता, उसके अधीन होना नहीं चाहता। अपने सुदृढ़ विवेक के द्वारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि यह अहंकार नामक वस्तु सब ओर से अतिशय दुख रूप ही है। अतः अब मेरे लिए जो कुछ भी कर्तव्य शेष रह गया हो, उसे बताते हुए आप मुझे आध्यात्मिक विषयक उपदेश दीजिए। मुनि सरोवर जैसे वायु के प्रभाव में पकड़कर मोर पंख का अग्र
भाग वेग से हिलता रहता है, उसी प्रकार यह चंचल चित भी अत्यंत व्यग्र होकर व्यर्थ ही इधर उधर दौड़ता रहता है, जैसे कुत्ता अपना पेट भरने के लिए व्याकुल हो गांव में दूर से दूर तक घरों तथा स्थानों का चक्कर लगाया करता है। उसी दशा इस चंचल मन की है, इसे कहीं भी कोई अनुकूल वस्तु नहीं प्राप्त होती, इसलिए ये दिन बना रहता है। यदि इसे कभी विशाल धन का भंडार प्राप्त हो जाए तो भी यह भीतर से तृप्त नहीं होता, जैसे बांस या बेंत की बनी हुई पिटारी कभी जल से नहीं भरती। उसी प्रकार धन से मनुष्य का जी नहीं भरता। मुने जैसे अपने झुंड से बिछड़ कर जाल में जकड़े हुए मृग को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार समस्त साधनों से शून्य एवं सत्संग रहित मन सदा दुर्उपासनाओं के जाल में जकड़ा रहता है, इसलिए उसे कभी सुख और संतोष नहीं प्राप्त होता। मुने तरंगों के समान चंचल वृत्त को धारण करने वाला यह मन अपने स्थूल सूक्ष्म विभाग को छोड़कर एक क्षण के लिए भी हृदय में स्थिर नहीं रहता। विषयों के चिंतन से क्षोभ को प्राप्त हुआ यह मन मंद्राचल के आघात से उछलती हुई क्षीर सागर की दुर्ग राशि के समान दसों दिशाओं में दौड़ता हुआ भटकता फिरता है, किंतु कहीं भी शांति को नहीं प्राप्त होता। ब्राह्मण जैसे मृग गड्ढे में गिरने की कोई चिंतन ना करके हरी हरी दुबे चरने की इच्छा से प्रेरित हो बहुत दूर तक दौड़ लगाता रहता है, उसी प्रकार यह मन नरक के गर्त में गिरने की परवाह न करके भोग लाभ की आशा से बड़ी दूर तक चक्कर लगाता रहता है, भांति भांति के मन सूबे बांधता रहता है, जैसे पिंजरे में बंद किया हुआ सिंह चिंता के कारण एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता, उसी तरह नाना प्रकार की चिंताओं से अत्यंत चपल हुआ मन अपनी चंचल वृत्ति के कारण कहीं स्थिर नहीं रह पाता, जैसे हंस जल से दूध को निकाल लेता है वैसे ही मोर रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ या मन भी इस शरीर से उद्वेग्य शून्य समता के सुख का अपहरण कर लेता है। ब्राह्मण मन रूपी ग्रह अग्नि से भी अधिक उष्ण है, उसके ऊपर चढ़ना पर्वत पर चढ़ने से भी अधिक कठिन है तथा वह व्रज से भी बढ़कर कठोर है, उसको वश में लाना बहुत ही कठिन है। जैसे मांस पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार मन भी इंद्रियों द्वारा उपलब्ध होने वाले विषयों की ओर दौड़ पड़ता है, परंतु जैसे बालक पहले तो खिलौनों की ओर ललकता है, फिर उसे पाकर थोड़ी देर में उससे मुंह मोड़ लेता है, उसी तरह यह मन प्राप्त हुए विषय से क्षण भर में ही विरत हो जाता है और नए नए विषय की खोज करने लगता है। समुद्र को पी जाना, सुमेर पर्वत को जड़ से उखाड़ फेंकना तथा अग्नि का ही आहार करना ये महान एवं दुस्साध्य कार्य है।
परंतु चंचल चित्त को वश में कर लेना इनसे भी महान एवं कठिन कार्य है। संपूर्ण पदार्थों का कारण चित्त ही है। जब तक चित्त है तभी तक तीनों लोकों की सत्ता है। उसके छिन्न होते ही जगत छिन्न हो जाता है। इसलिए इस चित्त रूपी रोग की यत्नपूर्वक चिकित्सा करानी करनी चाहिए। मुने जैसे महान पर्वत से अनेकानेक वनों एवं कानों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मन से ये सैकड़ों सुख दुख पैदा हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। आध्यात्मिक विषयज्ञ विवेक से जब यह मन दुर्लभ हो जाता है तब ये सारे सुख दुख का निश्चय ही पूर्ण रूप से गल जाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। महान मुमुच्छु पुरुष जिसके जीते जाने पर सम दम क्षमा दया समता शांति संतोष सरलता आदि समस्त सद्गुणों के स्वाधीन होने की आशा करते रहे है, उस शत्रु रूप चित्त को जीतने के लिए मैं सब प्रकार से उद्गत हुआ हूँ। अतः एवं जैसे चंद्रमा मेघमाला का अभिनंदन नहीं करता, उसी प्रकार मैं तीव्र वैराग्य संपत्ति से युक्त होने के कारण जड़ और मलिन विलास वाली लक्ष्मी का अभिनंदन नहीं करता। बोले प्रेम सोम श्री सद्गुरु महाराज की जय।